नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा शुरू किए गए इस लाइव श्रृंखला में यह तय किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए ऐसे सभी गुणीजनों को, जन प्रतिनिधियों को जो अलग अलग क्षेत्र में अपने मुकाम रखते हैं, उनसे एक सीधा संवाद किया जाए। और इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा आपकी मेरी बात। और आज प्रसन्नता की बात है कि टोंक जिले का तो हर आदमी बखूबी जानता है कि सीधे सरल सहज स्वभाव का धनी आदमी राजनीति में होते हुए भी राजनीति से अछूता है, क्योंकि वो सीधा सहज है, जिसका नाम है सत्यनारायण जी चौधरी साहब और ये हमारे जिला प्रमुख हैं। अब जिला प्रमुख हैं तो पंचायती राज की सारी कमान इन्होंने अपने कार्यकाल में संभाली है, बखूबी संभाली है। तो आज आप इनको सुनेंगे, देखेंगे कि प्रमुख साहब क्या कहते हैं। प्रमुख साहब, पहले आप जरा से ये बताएं कि अपनी इस यात्रा में आपने कब, किस उम्र से शुरुआत करी, कैसे आप इस क्षेत्र में आए, आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जरा आप बताएं। मैं सर्वप्रथम तो जन सरोकार के माध्यम से सक्सेना जी आपको बधाई देता हूं कि इस चैनल पे फेसबुक के माध्यम से लाने के लिए जो आपने प्रयास किए, सराहनीय प्रयास है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जिला प्रमुख के पद पर मैं हूं, लेकिन सौभाग्य की बात है कि कभी मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊं। मेरा जनसेवा करने का और अन्य विविध धार्मिक क्षेत्रों में मैं जरूर रहा, सहयोग था कि मैं 1998 में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना, फिर 2000 में मैं टोंक देहात का भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष बना, और उसके बाद मैं 8-10 साल इस पद पर रहा, फिर जिला मंत्री बना। बाद में मैंने संघ क्षेत्र के अंदर प्राथमिक शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष एवं संघ से जुड़कर जन सेवा के काम किए, जिला मंत्री बना। जिला मंत्री बनने के बाद भाजपा में मेरे को विश्व हिंदू परिषद की कमान मिली, और विश्व हिंदू परिषद के नाते मैंने यहाँ जितने भी शहर में जो धार्मिक कार्यक्रम थे, जन सेवा के कार्यक्रम थे, लोगों की समस्याओं के कारण विश्व हिंदू परिषद के नाते काम किया, ठीक। उसके उपरांत पार्टी ने मेरे को 2015 में जब पूरे राजस्थान के जिले के अध्यक्ष बने, टोंक जिले का जिला अध्यक्ष बनाया। मेरे मन पे इतनी प्रसन्नता थी कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का जिला अध्यक्ष बना, जन सेवा का मौका, वो भी सरकार के रहते हुए। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवित महसूस करता था, जिन लोगों ने ये पद के लायक मेरे को समझा और इस पर मेरे को बिठाया, मैं उन सभी का हृदय से आभार हूँ। उसके उपरांत जब पंचायत राज आए तो जन जिला प्रमुख के नाते जिला अध्यक्ष के रूप में भी पांचों प्रधान भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख बना, तो एक तरीके से वास्तव में जो काम करने का मौका मिला उससे लगा कि उसका लाभ भी मिला, लाभ भी मिला। 5 साल में जिला प्रमुख रहा, 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लास्ट के 2 साल कांग्रेस की। पंचायत राज एक ऐसी कड़ी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, एक सरपंच जनप्रतिनिधि होता है, गांव का मुखिया होता है, उसके बाद में पंचायत समिति का प्रधान होता है, और फिर जिले की कमान जिला प्रमुख। ये तीनों व्यवस्थाएं गरीब को गणेश मानकर सरकार की योजनाएं जन व्यक्ति तक पहुंचे, इस प्रकार के प्रयास में जिसकी भी सरकार आती है वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से उसकी सेवा। मेरे को सौभाग्य मिला कि उस समय केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, 2018 तक राजस्थान में सरकार थी जी,
इतना पैसा ग्रामीण विकास पंचायत राज के माध्यम से आया और जनता तक पहुंचा। कांग्रेस के जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे सम्मानीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि केंद्र से एक रुपया चलता है 100 पैसे चलते हैं, ठीक है, और जनता के बीच में 15 पैसे पहुंचते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए, जितना पैसा केंद्र से चले वो पैसा जनता के बीच में जाए। तो उन्होंने ऑनलाइन पूरे देश के जितने भी सरपंच थे उनका गौरव बढ़ाने का काम किया और सरपंच प्रधान और प्रमुख उनको तक एक पैसा नहीं दिया, केवल केंद्र का सारा पैसा सीधा सरपंचों के खाते में डाला ताकि गांव के चौपाल में गांव के लोग बैठकर वहां के सरपंच वहां के मेंबर वहां के हमारे सरकारी नुमाइंदे जो हैं वहां के जो लोग काम करते हैं सब बैठ के उस गांव के विकास की योजनाएं बना सकें, एक प्लानिंग बना सकें कि उस गांव का किस प्रकार मुखिया विकास हो और एक मॉडल के रूप में बने, इस प्रकार की कल्पना देश के प्रधान। यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बात तो बहुत अच्छी हुई कि सीधा जो गांव का वहां तक पैसा पहुंचे, लेकिन जिला प्रमुख और जिला परिषद की कमांड कितनी रही सरपंचों पर, इसके बारे में आप क्या देखिए, क्या सरपंच एकदम इसमें मेरा कहना ये है कि जी चाहे लोगों को मकान देने की बात हो, लाइट देने की बात हो, शौचालय बनाने की बात हो, सरकार ने पारदर्शी रूप से काम करने का प्रयास किया है। सरपंच अपने बिना पार्टी सिंबल के जीत के आता है, वो सबका रहता है, पर उसने विकास करने का काम किया है और उसके ऊपर जो हमारे पीओ जो होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं और भी लोग होते हैं, मॉनिटरिंग करिए कि वो उन्होंने जो विकास किया है उसमें पारदर्शिता के रूप में और एक वो जो रोड या जो भी काम करा रहे हैं उसके समय समय मॉनिटरिंग कराते हैं ताकि जनता का एक एक पैसा जनता की इच्छा से लगे। पहले होता यह था कि एक गांव का मॉडल होता है, उसमें उस पंचायत के अंदर 8 ग्राम होते हैं, किसी गांव से वो चुन के आता है, जहां से वोट ज्यादा मिलते हैं 2 गांवों से वोट नहीं मिले पैसा नहीं लगा था, ठीक, जहां से चुन के आता है। सरकार ने यह क्या कि प्लानिंग होनी चाहिए, वो पैसा प्रत्येक गांव में लगना चाहिए ताकि ये नहीं कि वो जहां से जीत के अभी वोटर तो सबके अपने हैं, उस पंचायत के जो भी 3,500 उस 3,800 वोटरों का ही विकास होना चाहिए। इस प्रकार की योजना केंद्र और राज्य सरकार ने बनाई तो होना भी नहीं चाहिए। इससे क्या आपको लगता है कि आपकी कार्यशैली ज्यादा कारगर सिद्ध हुई या आपको कुछ बीच में ऐसा भी लगा गतिरोध है क्योंकि सरपंच हैं कहीं ना कहीं आपसे अपनी मर्जी का अपने पैसा खर्च करने के लिए आगे आ गए, ऐसा तो नहीं? हमारे टोंक जिले में जिला परिषद के 25 सदस्य जी, 6 पंचायत प्रधान है, एक कांग्रेस का था, बाकी 5 बीजेपी के थे और जितने सरपंच थे क्योंकि तो पार्टी से चुन के नहीं आते, लेकिन हमने प्रयास किया कि कोई भी जनप्रति कभी भी किसी समय किसी भी पार्टी, क्योंकि हम पार्टी के नहीं चुनने के बाद हम तो सरदली हो जाते हैं, हम सबके होते हैं, हमारा काम है विकास करना, जनता के बीच में पहुंचना, इसीलिए लोग हमें चुनते हैं। कभी भी 5 साल के दौरान ऐसा किसी ने नहीं कहा कि प्रमुख साहब हम गए हमारा सम्मान नहीं किया, तुरंत अधिकारी को निर्देश देना, मौके पर काम करना, जन सुनवाई करना, जन सुनवाई में भी मौके के ऊपर समस्याओं का समाधान करना, अधिकारी निर्देश देना और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करना, ये सब तो आपके आचरण की विशेषता भी तो रही, उसकी मॉनिटरिंग भी समय पर। तो ये अच्छी चीज है कि जो व्यक्ति पंचायत में काम नहीं हो, मान लो उसका वो पंचायत समिति पे आए फिर जिले पे आए, तो हमारी जो जिले की जनसुनवाई होती थी, अन्य जो हमारी जिले की जिला परिषद की मीटिंग होती थी, हमने प्रयास किए सारे अधिकारियों को कहा कि भाई आप जनता के लिए जनता के द्वारा हम चुने हुए हैं, आप भी जनता की सेवा के लिए चुने हुए, इसलिए हम सबका लक्ष्य ये है कि बिना किसी भेदभाव बिना राजनीति गरीब को गणेश मानकर हर व्यक्ति की सेवा करें। अगर ये सेवा सोच के हम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका हमको कहीं ना कहीं हमारे परिवार में हमारे समाज में इसका लाभ भी मिलेगा। वसुंधरा जी रही और उनके कार्यकाल में आप जिला प्रमुख बने, आपने उनकी भी कार्यशैली देखी, उनका रुझान गांव के प्रति वो भी देखा,
उसके बाद सरकार भी बदली, वो भी आप देख रहे हैं, क्या महसूस करते हैं इन दोनों सत्ता के चेहरों में? इनकी अपनी जो प्राथमिकताएं हैं गांव के आम आदमी के लिए, उसमें क्या देखते हैं इनको आप? सरकार को ये मंत्री अपना मैनिफेस्टो, ठीक, बीजेपी की सरकार बनी तो उसने अपना मैनिफेस्टो लागू किया, भाई हमारी ये चीजें रहेंगी, के माध्यम से जनता के बीच में चुन के आए हैं, इनको लागू करें। ठीक, उन्होंने उन योजनाओं को, उन जो मैनिफेस्टो है उसको लागू करने का किया। अब जैसे खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का मामला था जी, उन्होंने कहा भाई हमें अन्नपूर्णा योजना लोगों को कम पैसे में भोजन दिया है, ठीक, लोगों को लाइट वगैरह जहाँ पहले गांव ढाणी में लाइट नहीं मिलती थी कि साहब ये आबादी में नहीं आती है, कुएं पे रहते हैं, इनके इनके पट्टे नहीं है, ऐसे लोगों को देने का काम किया, गांव के अंदर पट्टे दे गए, लोगों को पट्टे दिए गए ताकि वो लोन ले ले अपना जीवन यापन कर ले, एक निर्धारित हो जाएगी इतने इस संपत्ति से ये इतने का मालिक है, बैंक उसको मालिक, ठीक है। इस प्रकार के जन सुनवाई के कार्यक्रम गाँव के चौपाल पर भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की सरकार आई, ये सहयोग माने कि जब वो सरकार आई तो कुछ बातें उन्होंने भी मैनिफेस्टो में थी जो मेरी जानकारी में है। चौथे वित्त आयोग का पैसा सरपंचों को सीधा जाता है, क्योंकि केंद्र देती है, केंद्र का सीधा मानस है कि पैसा सीधा सरपंच के खाते में जाना चाहिए, वो पैसा स्टेट में आता है, स्टेट के माध्यम से सरपंच को जाता है, स्टेट के माध्यम से सरपंच हो गया, लेकिन वो जिला परिषद के मद में आया, वीडियो के माध्यम से सरपंच हो गया, उसको रोकने का काम किया, लास्ट के समय में विकास में कहीं कहीं काम, ठीक है। जो बीजेपी सरकार में रोड बनने की बात थी, सेंक्शन शुदा काम थे जी, आज भी वो कहीं चालू नहीं है, कारण लोग बताते हैं कि साहब बजट कम था या जो भी था, मेरा कहना इतना है कि जितना काम हो सकता था, क्योंकि आज दो साल स्थिति लोगों की खराब है, जितने काम सेंक्शन थे सारे काम रोक दिए, अगर वो पूरे नहीं करा सकते थे तो उसमें से 10%, 20%, 25% कुछ रोड तो जो महत्वपूर्ण रोड थे उनको तो बनना चाहिए, करें एक साथ सारे रोड रोकने में सारा विकास कर, 14वें वित्त आयोग का पैसा उस समय पंचायत राज में नहीं डालने से लोगों में विकास की अवरोध कहीं ना कहीं, अगर मान लो उस समय राजस्थान सरकार चुनाव कराती, पंचायत राज के चुनाव होते, प्रधान और प्रमुख बने हुए होते, चौथे जो चरण के चुनाव सरपंच रूप में वो बन जाते जी, तो आज कहीं ना कहीं इस कोरोना की लड़ाई के अंदर वो जनप्रतिनिधि अधिकारी और जनता के बीच में सेतु का काम करते, और जहां पर लोगों को अवेयरनेस है या कर्मचारी अधिकारी सुनते नहीं है, वो जनता को सेतु का काम करते हुए समस्याओं का समाधान करने, उनके बीच में खड़ा रहकर उनके विकास करने का काम करते, ये काम कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार जो अभी वर्तमान में है अशोक गहलोत जी, तो ये नुकसान तो हुआ है, तो इसके नुकसान के पीछे बेसिक कारण कहीं कोई रिटर्न छुपा हुआ तो नहीं है कि आप सचिन पायलट के लेके चर्चा है, अशोक गहलोत को लेके चर्चा है, उनके आपसी संबंधों को लेके चर्चा है, कहीं उसका तो छाया नहीं है? देखिए राजस्थान में कहना तो नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ जो भागों में कांग्रेस को पंचायत राज चुनाव हो जाए जी, ऐसी हमारे माननीय मंत्री सचिन जी की इच्छा थी, कई बार उन्होंने उजागर भी किया कि निश्चित रूप से चुनाव, पहले साहब को नया क्या डर था कि हो सके, क्योंकि ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हाँ हाँ, और टिकट वितरण में मेरे लोगों को टिकट मिले नहीं मिले, इसलिए अभी नहीं होंगे बाद में हो, मेरे लोगों को फायदा हो, ठीक, इस प्रकार की भी मानसिकता हो सकती थी। अगर उस समय चुनाव होते तो आज जो कहीं ना कहीं जनप्रति लोगों की जनसेवा करते समय पर हो जाते तो उससे लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलता। वसुंधरा जी से पहले वाला कार्यकाल,
जब उन्होंने 300 से ऊपर योजनाएं डिक्लेयर की थी जनहित में, जैसा कहा गया उसके, आपका भी काफी राजनीतिक सत्ता है, आप क्या सोचते हैं इस कार्यकाल जो अभी गया है 2 साल में, इस कार्यकाल में और उस कार्यकाल में कुछ बेसिक बदलाव है या अशोक गहलोत जैसे थे वैसे ही काम कर रहे हैं? देखिए अभी गहलोत साहब जो काम कर रहे हैं जी, उन्होंने मैनिफेस्टो में कई चीजों को लिया जी, बदली का मामला था जी, आज हमारे जिले में बदली का काफी खनन होता है, राजधानी भी नजदीक है, राजधानी में विकास के लिए बदली की बहुत आवश्यकता है, डिमांड है, लेकिन हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, लेकिन इनको फिर भी एक मजबूत तरीके से करनी चाहिए। और मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस ने कहा कि हम छोटे लीज धारक बनाएंगे, ठीक, लीज धारक के माध्यम से खनन करेंगे ताकि ये माफिया खत्म हो जाए, ये जो जिस प्रकार बदली का जो अवैध खनन हो रहा है ये बंद हो जाए, तो जो उनकी लीज धारक वाला मामला था 2 साल में अभी कहीं कोई जल्द उसका सकारात्मक, अगर वो सकारात्मक रिजल्ट रहा तो लोग जैसे कोई रिटायरमेंट होता है, ठीक, अब वो मान लो 60 साल की जो रिटायरमेंट हो, आज बजरी जो जीव टोंग के आसपास जो बनास किया जी उसके माध्यम से मकान एक मजबूत वर्षों तक चलता है, लेकिन कहीं मिट्टी लगानी पड़ रही है, वो मिट्टी बजरी जा रही है, अगर ऐसी जाती है तो कम से कम वो व्यक्ति की सारी जीवन की पूंजी लग रही है, सही, उसको महंगी अलग नहीं है बहुत, और वो भी अवैध खनन से मिलती है, सरकार रोक भी रही है लेकिन रुक नहीं रही, रुक रही। आज जिस प्रकार बजरी माफिया इतने हावी हो गए कि वो अधिकारी पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, जहाजपुर का भी कोई मामला था वहां बड़ी दुर्घटना हुई, और भी हमारे आसपास कई जो थानेदार वगैरह ट्रैक्टर परवाह नहीं करते, इनकी ऊपरी गाड़ी चढ़ा देते हैं, इतने एग्रेसिव हैं, तो अगर इनको सुबह से रोकते तो ये घटनाएं इतनी घटती नहीं, इसमें अपराध का बहुत बड़ा एक ग्रोह बन गया, उनको इतना एक 2 नंबर का पैसा इकट्ठा हो गया, वो किसी को समझते नहीं। अगर ठीक से कह सकते हैं अपन इस बात को, तुम भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऊपर से शीर्ष नेताओं का या प्रशासन का भी कहीं कोई संरक्षण मिला हुआ है, ऐसा हम मीडिया पर्सन्स को भी लगता है, आपको महसूस होता हो ना होता हो, लेकिन जो हमें लगता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब सारी बात यहाँ आके ठहरती है कि चलिए वो हो गया और चुनाव भी नहीं हो पाए, उसका नुकसान भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन बात फिर वहीं घूम के आती कि आप वर्तमान में जिला प्रमुख हैं और आपने जमीनी एक सच्चे सिपाही की तरह इस रास्ते को चुना है, लेकिन जैसे ही अब ये थोड़ा सा कोरोना का पीरियड खत्म होगा और उम्मीद करते हैं चुनाव भी आएंगे, तो इसमें आप अपना आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात बोलते हैं, जनसेवा करने के लिए आए हैं, हम इस सीट की कुर्सी के लिए नहीं आए, क्योंकि कई लोगों का लक्ष्य ये होता है कि कुर्सी प्राप्त करना, मगर जनसेवा के लिए है, जो भी अगर पार्टी निर्देश देती है और जो काम देती है उस काम को निश्चित रूप से करने का प्रयास करते हैं। आपके संग जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने आपके संग कंधे से कंधा मिला के है, वो आपसे भी कुछ उम्मीदें रखते हैं और आपके भविष्य को भी बेहतर बनाना चाहेंगे, तब प्रश्न ये आता है कि क्या आप वापस जिला प्रमुख पद के लिए फाइट करने की सोचेंगे या कहीं और कोई दिशा पकड़ेंगे, क्योंकि जब आप कहीं रहेंगे तभी तो आप सेवा कार्य कर सकेंगे, अच्छे लोग जी और जनता की सेवा करें, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे ये तो समय तय होगा, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि कोई भी व्यक्ति बने जन सेवा करे और ईमानदारी से करे, ताकि लोगों को लगे कि जिस व्यक्ति को मत और समर्थन हमने दिया वो हमारे बीच में रहकर 24 घंटे हमारी सेवा। लेकिन मामला ये आता है, देखिए आप मुझे अपनी बात को अन्यथा ना देना, अभी अपने कुछ पिछले टाइम में जैसे अपनी पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिला अध्यक्ष की बनी, इधर जैसे कि पिछले कार्यकाल में भी होता रहा कि अजीत मेहता जी कुछ अलग अपनी
राह पकड़े हुए हैं, जौनपुरिया जी अपनी राह पकड़े हुए हैं, बीच के लोग कभी इधर हो रहे हैं कभी उधर हो रहे हैं, तो जनता ठीक से समझ नहीं पा रही कि किस कार्यकर्ता पर भरोसा करे और किसके साथ आगे बढ़े। अभी उतना तो नहीं है क्लेश जितना पिछली बार था, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा है कि मैं एज ए मीडिया पर्सन कह रहा हूं आपसे कि आपकी जो उपयोगिता आ जानी चाहिए थी वो उस तरह से वो कांच धुंधला हो रहा है, वो नहीं हम महसूस कर रहे। आप इतने बड़े सम्माननीय पद पर हैं तो आप कहीं आपको उस तरह से नहीं मौका हमें देख पा रहे हैं कि वो कि आप भी किसी प्लेटफॉर्म पर आप अपने किसी कार्यशैली से लोगों के बीच नजर आए, तो इस संबंध में क्या मेरे को भी दिया। अभी हमारे जो राजेंद्र जी पराना है जी कार्यकारिणी की घोषणा, अब इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, इतने कार्यकर्ता है, सबको मौका मिलना संभव भी नहीं है, और अन्य कई पद और भी होते हैं जहाँ लोगों को मौके भी मिले नहीं। ठीक, तो मेरा तो कहना ये है कि जो भी व्यक्ति पार्टी के जिले के और संगठन के विराजमान जी जनप्रतिनिधि है, एक व्यक्ति बनता है हजारों लोगों को उसके पीछे कुर्बानी होती है, तो वो व्यक्ति सबको साथ लेके चले, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि पार्टी जिसको भी संगठन की जिम्मेदारी देती है जनप्रतिनिधि उसका धर्म हो जाता है नैतिक कि वो जिले के सब लोगों को साथ लेके चले। थोड़ा सा पता पड़ना चाहिए, जैसे कि अपने जिलाध्यक्ष राजेंद्र परमार जी बने और कार्यकारिणी बने, कार्यकारिणी हमेशा बनती है, किस टाइम पीरियड से बनती है वो कोई बात नहीं, तो इसका इसका जो सारा कार्यभार है वो क्या प्रदेश तय करता है या जिला स्तर पर कोई यहाँ के विधायक या यहाँ के आपके सांसद बैठ के कुछ तय करते हैं, क्या इसका कानून है? जिला के प्रदेश से जी अधिकारी, अच्छा, और वो आके यहाँ मौके का सर्वे करते हैं, यहाँ बूथ लेवल के कार्यकर्ता हों तो बूथ के सदस्य बनाते हैं, फिर मंडल बनते हैं, मंडल के बाद जिला बनता है, और जिले के ऊपर जो कोर कमेटी थी वो बैठती है जी जी, तो जिला अध्यक्ष और हम जितने जनप्रतिनिधि हमारी भी राय ली जाती है ठीक, और पार्टी जो अच्छा समझती है कई लोगों में से एक व्यक्ति का चयन चुनाव होता है। अब मान लो पांच लोग हैं, पांच के पांच का जिला अध्यक्ष बनना चाहे एक व्यक्ति बनेगा, तो एक व्यक्ति बनेगा तो जो पार्टी निर्णय लेती है वो सभ्य पर भी है। अभी राजेंद्र जी जिला अध्यक्ष के रूप में हमारे अच्छे कार्यकर्ता है, संघ के कार्यकर्ता है, गौ सेवक है, समय भी देते हैं, निश्चित रूप से जो पार्टी ने निर्णय किया निर्णय से मैं सहमत हूँ। अब प्रश्न ये आता है कि कुछ थोड़े से व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर कुछ प्रश्न भी करते हैं छोटे छोटे के, वो पहला प्रश्न ये है कि जैसे अपने मालपुरा विधायक हैं कन्हैया, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, ऐसा लगता रहा कि ज्यादा सहज संबंध नहीं, मैं बहुत शालीन शब्दों में कहूं तो बिल्कुल ऐसा ही इधर पहले वाले इस साल दो साल से पहले आप जौनपुर जी के साथ नजर आते थे, अब उतना उनके कार्यक्रमों में उनके साथ आप कम नजर आते हैं, तो ये कोई वैचारिक मतभेद है या कुछ अपनी अपनी जो आपका प्रोटोकॉल है जो पद है आपका उसकी अपनी सीमाएं हैं, क्या कहेंगे इसे? क्योंकि पब्लिक के मन में प्रश्न उठते हैं तो अगर ठीक से उनका जवाब मिलता है तो भ्रांति नहीं लगती। हमारे विधायक साहब का कमल यादव थोड़ा अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो और जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों की जनसेवा करते हैं, और अपने जिस प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से एक विधायक में जितने जनसेवा की गुण होने चाहिए वो सब में ठीक सीधे और सहज में। हमारे सांसद माननीय माननीय सुखपुरी जौनपुरिया जी, वो सांसद हैं, दूसरी बार जीते हैं और सबसे ज्यादा समय टॉप में देते हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं, बिल्कुल सही बात है,
और मैं कह रहा हूँ इतने सांसद आए तो चाहे हॉस्पिटल का मामला हो या हमारे और भी कई ट्रस्ट के मामले हो, कोरोना में मामले हो, निश्चित रूप से उन्होंने जनसेवा करने का काम किया। लोक सेवक के रूप में उन्होंने पब्लिक के बीच में, बिल्कुल आगे आए, लोकसभा में मुद्दे उठाने का काम किया है। हम उनके साथ हमेशा साथ थे, साथ हैं। अभी कोरोना के मामले में क्योंकि संख्या का मामला है, सही, एक सरकार ने मास्क का कई चीजों में पाबंदी लगा रखी, जी, तो जो संगठन में जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, कभी जैसे भी हमारे पीपलो कार्यक्रम थे तो जिले में हमारा दौरा भी, क्योंकि आजकल वेचुअल डेली वगैरह मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, कहीं इस प्रकार आज जिस प्रकार पूरे देश में चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को साथ करने की संख्या में उसमें ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश और देश में ही समझ रही सलाम करते हैं। मैं जनता की आवाज बात कर रहा हूँ आपसे, पर्सनल नहीं, ना आपके लिए पर्सनल, कि जौनपुर प्रिया जी का जो कार्यकाल पिछला रहा और अब ये जो साल 1.5 साल का कार्यकाल अभी सामने आया है, वापस दोबारा जीतने पर इस लोकसभा क्षेत्र से, आम पब्लिक में थॉट आ रहा है कि उनकी कार्यशैली में कुछ ना कुछ काफी चेंजेस हैं, बदलाव हैं। जैसे पहले था वो रुझान, वो आते जरूर हैं, मिलते भी हैं, लेकिन जैसे एक जमाना था जब वो आए थे तो वो अगर सड़क निर्माण हो रहा है तो वो सुबह 5 बजे भेष बदल के जा रहे हैं और डामर की बनती हुई सड़क में हाथ डाल रहे हैं और कोयले के तेल से या डामर से अपने हाथ काले कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर से हर तरह अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, काम ठीक हो, गुणवत्ता हो। उस तरह की जो एक कमिटेडनेस थी वो इस कार्यकाल में नजर नहीं आती, मतलब आते तो हैं और लोग मिठाइयां भी खा लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वो जो कार्यप्रणाली थी, जो इंटेंसिटी थी जितनी जमीन से जुड़ने की, वो अब पब्लिक को नजर नहीं आती। तो ये कोई विशेष कारण है या क्या आप क्या सोचते हैं? सक्सेना जी, मेरा इसमें कहना ये है कि जी जो उनका कार्यकाल 14 से 19 रहा, 19 से भी बहुत अच्छा रहा, 24 से है, हाँ उसमें विकास बहुत हुआ। अब जो आप कह रहे हैं नया कार्यकाल है, इस कार्यकाल में तो अभी तो साल भर में कोई रोटी नहीं मिली, चेक काहे हो गए। मुख्य समस्या क्या है कि विकास का काम होता है तो व्यक्ति जाके उसको चेक भी करता है, गुणवत्ता भी देखता है, अधिकारियों से बात भी करता है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जयपुर में कोई ज्ञापन वगैरह था, दिया कहा कि संख्या ज्यादा थी और कोरोना काल में लोगों का इकट्ठा नहीं होना था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री, और हमारे एक सांसद ने मान लो कोई जरा से जाके धरना मार, या कोई कई लोगों ने 50 लोगों ने धरना दिया, उनके मुकदमे दर्ज हुए, तो दोहरी राजनीति है। इसलिए वो कई बार ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने में, अपनी बात कहने में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना में देखिए बात बढ़ जाएगी, लेकिन सांसद जो हमारे हैं वो पावरफुल आदमी है, हर तरह से संपन्न है, हर तरह से, तो वो किसी बात से तो डरने वाला नहीं है कि दोहरे राजनीति है या कोई मामला दर्ज हो गया है, मतलब एक बात ज्यादा गहरे नहीं उतर बटे बटे तो नहीं है सांसद साहब, लेकिन समस्या इस चीज की है कि मान लो बात जैसे सरकार ने, उन्होंने धरना भी वो कांड हमारे हो गया, हाँ तो दुर्भाग्य माने हमारे टोंक जिले का कि जैसे भी कांस्टेबल हमारे मेनवास में, कांस्टेबल था पुलिस विभाग से, उसका मर्डर हो गया, आज तक नहीं खुले, दो चार मर्डर और भी नहीं खुले। मेरा कहना है कि ये जो क्या एलिशिया की बात हो, चाहे स्पेशल पुलिस फोर्स की बात हो, टीम गठित करके टोंक के जितने भी संवेदनशील जो जो जिनकी हत्याएं हुई हो, ऐसे केस तो खुलना चाहिए ताकि पब्लिक में मैसेज जाए कि लोग कानून व्यवस्था पर था, बद्री के मामले में पुलिस वाले तैयार मिलेंगे, और जहां कोई कानून व्यवस्था की हम बात करें तो वो कानून व्यवस्थाएं लोगों को डर और भय भी खत्म होना चाहिए, लगना चाहिए भाई आम लोगों की भी पुलिस है। मालपुरा वाला मैटर, ये मेहंदवास वाला मैटर था, जो चार और भी कहीं अपने दिल्ली में कोई नाबालिग बच्ची के साथ बिल्कुल ऐसे संवेदनशील मुकदमे इतने समय में भी नहीं खुले, इससे बड़ा दुर्भाग्य टोंक के लिए हो सकता है, ये खुलने चाहिए। बात करते हैं,
के आप सेवादार से जुड़े हैं और टोंक के लिए अच्छा सोच रखते हैं, तो क्या संभावनाएं लगती हैं आपको टोंक के विकास को लेकर? क्या कभी कोई अपने आप में सोचा है कि भाई ये बात तो टोंक के लिए जरूरी है, ये तो होनी चाहिए, ये इस टोंक को जरूरत है? देखिए, टोंक में बड़े दो चार पुल निर्माण भी होने चाहिए, घोषणाएं भी आई थी गलत वाली पुलिया बननी चाहिए, ठीक है। मंडल फाउंडेशन ट्रस्ट आता है जिसमें बद्री की 10% राशि आती है, ठीक है। जिला प्रमुखों को उस समय इसका चेयरमैन बनाया था, धीरे बोर्ड में आने के बाद 8 करोड़ रुपए पड़े हुए, मेरी इच्छा थी उस रोड को मैं बढ़ाऊँ, ठीक है। मैंने हमारे जिले के अधिकारी ऊपर भी बात करी, जी सरकार हमारी चली गई, ये पैसा है, मैं चेयरमैन हूँ उसका, इस पैसे को जब पुलिया बना दे अपना पैसा राज्य सरकार यहाँ से दे दे, बाकी केंद्र से मिल जाए पुलिया बन सकती है। अभी 8 करोड़ रुपए मिंडल फाउंडेशन ट्रस्ट जो हमारे जिसमें बदली की 10% राशि आती है, जिसका चेयरमैन मैंने पहले मैं था, अब जिला कलेक्टर हूँ। अगर वो पुलिया बन जाए तो छोटे छोटे काम भी अगर कहीं कोई हो जाए तो 3 करोड़ बने, ताकि जिससे पूरा माल पूरा जुड़ जाए, हमारा पीपल जुड़ जाए, आपका इधर स्टोडर जुड़ जाए, ठीक है। उस जिला का विकास हो सकता है। दूसरे में बरसात का पानी जब बरसात आती है और बिसरपुर आपका 2-3 साल में ओवरफ्लो होता है, पिछली बार भी इतना पानी बह गया जितना कि 2 बार ये भर जाता है, वापस रिफिल हो जाता है बिस्तर को देख, और पानी वेस्ट चला गया। तो अब तक ये समाज अपने जनता के सामने ये बात नहीं आई कि इस पानी का इस्तेमाल करने के लिए चाहे वो आपका प्रशासन हो या कोई और दूसरी एजेंसी सोच रही हो, जैसे आप जिला प्रमुख, तो कहीं जैसे अभी तो नहरों की सफाई भी ठीक से नहीं, तो उस पानी का वेस्टेज जाना, जबकि आप अपन बड़े बड़े विज्ञापन छपवाते हैं बूंद 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 जल है तो जीवन है, तो एक तरफ वो एस्पेक्ट है और एक तरफ अपने जिले में उस पानी के संरक्षण के लिए कोई सोच बात। निश्चित रूप से आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जी, जल है तो जीवन है, किसान को तो पानी अमृत मिलता है जी, इससे बड़ी कोई चीज उसके जीवन में। क्या भी माने राज्य सरकार पहले भी घोषणाएं की, बाद में भी कांग्रेस के टाइम के बाद भी हमें बिसलपुर का ओवरफ्लो पानी टोडी टोडी से ताकि टोडा मालपुर और निवे तीनों विधानसभा कवर हो जाए, ताकि तीन अभी ये इधर का पानी बिसलपुर ऊपर का जो बनास का पानी इधर भी मिल जाए, निश्चित रूप से जिले का विकास। लेकिन वो पैसा भी सेंक्शन हो गया, काम भी क्या पता क्यों सरकार या अधिकारी या कर्मचारी या क्या कमी रह गई जो उसको अभी तक उन्होंने पेंडिंग कर रखा है, ये हमारे लिए जरूर सौभाग्य की बात है। हमारे देश के लिए जो मंत्री हैं हमने जोधपुर से हैं, तो उन्होंने जल मंत्रालय जो बना है जी, उसके माध्यम से जो 13 जिले हैं, हमारा टोंक जिला है, बड़ी नदी का पानी भी जी जी है, बहुत काफी टाइम से और ये सब जुड़ जाए कर जाए, जो पैसा सेंक्शनिंग वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह बन रहे, कल परसों भी अखबार में आया था कि टोंक जिला जुड़ेगा जी, और उसके एक एक शाम में पानी पहुंचेगा। तो मैं राजस्थान की तरफ से हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि राजस्थान के हैं और जिसकी जेब में चाबी होती है जी जी, तो निश्चित रूप से कोठियार में अपने लोगों को पहले जिमाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है कि गहलोत साहब ने जोधपुर में काम करने का प्रयास किया, ठीक है, वहाँ चौमुखी विकास किया, माननीय वसुंधरा जी ने झालावाड़ में करने का प्रयास किया, गजेंद्र सिंह जी का ससुराल हमारे मालपुरा में पड़ता है, हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से ये जो जल शक्ति मंत्रालय का पैसा हमारे टोंक जिले में विकास योजनाएं बनेंगी उसमें बहुत जल्दी शीघ्र वो प्रयास करेंगे। उनसे कई बार हमारी चर्चा भी हुई, और जो मैंने अभी कहा जो पानी ब्रह्मांड का डेम भी बनता है तो उसकी पानी की पसार हमारे टॉप बनास के जो नई पुलिया यहाँ तक पानी गिरेगी, इसमें स्टीमर चलेंगे, ये वास्तव में टोंक जिला एक राजस्थान में पूरा उभर कर जिला आने वाला है। उसके लिए मैं कहता हूँ जो हमारे मुख्यमंत्री हमारे पायलट साहब जी 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 और भी जो जनप्रतिनिधि, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये मौका है, ठीक,
पैसा सरकार दे रही है, केंद्र और स्टेट दोनों को मिलता है, तो प्रयास करना चाहिए कि टोंक जिले का चहुंमुखी विकास हो, और चाहे सरदा का काम हो, चाहे और फिलो का काम हो, फिर हमारे जिले का विकास होगा। तो यहाँ के किसान को अगर पानी मिलता है तो उसको विकास की आवश्यकता नहीं, केवल पानी की आवश्यकता है। पानी से वो कहता है हमारा विकास हम कर ले, केवल हमारे खेत में पानी दे दो। इस आपके माध्यम से है, आपके इस जन सुनवाई के माध्यम से है, और हमारे सब्जेक्ट को कहना चाहता हूँ कि आप इस पानी की व्यवस्था करा दो और विकास की व्यवस्था यह चिंता कर ले। बहुत अच्छी बात, आपकी इतनी सारी शुभकामनाओं के साथ जो आप सोच रहे हैं जिले के लिए, उन सबका आभार प्रकट करते हैं हम जन सुनवाई की तरफ से। आपका आज का कार्यक्रम के साथ ही वार्ता हुई, और आशा करते हैं कि जैसी सोच आपकी है वो सोच फलीभूत होगी और जिले का विकास भी होगा।